एआईएसएफ से जुड़े छात्रों ने आज केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीति को जन विरोधी बताते हुए पटना में प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने निजीकरण की नीति को सिरे से खारिज करते हुए रोजगार गारंटी की मांग की। चुनावी मुद्दा बनाते हुए एक नेता की तरह छात्रों ने जो कुछ कहा, ये सुनते उन्हीं की जुबानी। तत्काल निजीकरण की प्रक्रिया को रोक लगाए और अविलंब सरकारी जो नौकरियां, चाहे वो बिहार हो चाहे देश के अलग अलग जो सरकारी कार्यालय हैं, जहां भर्ती भर्तियों की जरूरत है, उसको रद्द किया जाए। आप जानते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भी बनाई गई है अभी हाल ही में, और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यह अपने आप में एक खतरनाक बात है, युवाओं को धोखा देने की बात है। हम ऐसी कार्रवाइयों को रोकने की मांग करते हैं। साथ ही साथ बिहार के नहीं पूरे देश के अंदर में जो परीक्षा लेने की प्रक्रिया चल रही है, उन परीक्षाओं को हम बंद करने की मांग करते हैं। शिक्षा परीक्षा और परिणाम से छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान नहीं लगे, यह भी जरूरी है। नेतागिरी तो चलती ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।